भक्तो तुम्हें सुनाऊं कथा मैं चारों धाम की। ज्ञान और गुण के सागर हैं संत गुरु रविदास जी, संत गुरु रविदास जी। आओ भक्तो तुम्हें सुनाऊं कथा मैं चारों धाम की। ज्ञान और गुण के सागर हैं संत गुरु रविदास जी, संत गुरु रविदास जी। जब जब धरती पे पाप बढ़ा, जब जब अत्याचार हुआ, तब तब इस धरती पे भक्तों संतों का अवतार हुआ। दुष्टों ने आकर जब भी शुभ कर्मों का नाश किया, तब इस धरती पे भक्तों एक बालक रविदास हुआ। समय विकर्मी माघ पूर्णिमा रविवार को जन्म हुआ, इसीलिए रविवार के नाम से रविदास नामकरण हुआ, रविदास नामकरण हुआ। पिता का नाम था राघव, उनके माता कर्मा देवी थी। मन मंदिर में दोनों के श्री राम की भक्ति थी। निर्धन थे वो बहुत ही ज्यादा, निर्धन गांव में रहते थे। मेहनत से जो मिलता था हंसते हंसाते पाते थे। मोह माया का लोभ ना था, मोह माया से दूर थे। भिक्षा कभी भी मांगी ना थी, निर्धन भले जरूर थे, निर्धन भले जरूर थे। जब रविदास का जन्म हुआ, कई दिन तक ना दूध पिया। माता बेचारी चिंतित थी, ये कैसा बालक हुआ। दुखियारी माँ ने बालक को पंडित को जा दिखलाया। रोते हुए माता ने फिर हाल वो सारा बतलाया। जब से जन्म हुआ है इसका, तब से दूध पिया नहीं। ये कैसा दुख मेरे नन्हे बालक के ऊपर आया, बालक के ऊपर आया। पंडित बोला बात सुनो, इसका इलाज करूंगा, पर बदले में दाम सुनो एक रुपया लूंगा। चौंक पड़ी सुन के माता, एक रुपये के नाम को। बोली मैं निर्धन दूंगी कैसे इतने दाम को। रोई बहुत तड़की वो बहुत, पर पंडित ने ना बात सुनी। गोद में लेके रोने लगी फिर वो बालक रविदास को, वो बालक रविदास को। सुन के उसकी पुकार को वहां पे एक साधु आया। माता ने फिर हाल सारा साधु जन को बताया। कर दूंगा मैं ठीक इसे, काहे इतना दुख करे। साधु ने बालक को उठा के शिव शंकर के मंत्र पढ़े। बालक रोता चुप हुआ जब कानों में उसके मंत्र पड़े।
देख के हंसता बालक को माता जय जयकार करे, माता जय जयकार करे। बोले साधु माता को जा बेटी इस दूध पिला, वृक्ष की ओट में माता ने अब बालक को दूध दिया। गट गट उसने माता के सीने से लग दूध पिया, वाह वाह माता करने लगी, साधु को प्रणाम किया। साधु बोला बालक तेरा बड़ा ही भाग्यशाली है, पूरे देश में नाम करेगा, बड़ी तू कर्मों वाली है, बड़ी तू कर्मों वाली है। उठी विचित्र भावना मन में जैसे जैसे बड़ा हुआ, प्रेरित होके भक्ति से रामानंद का भक्त हुआ। भक्ति में मन लगने लगा, मोह माया को छोड़ दिया। गीता के सुन के श्लोक रविदास एक संत हुआ। हर एक पल अब उसने भक्तों भगवान का ही नाम लिया, थोड़े दिनों में उसको भक्तों गीता का पूरा ज्ञान हुआ, गीता का पूरा ज्ञान हुआ। ज्ञान हुआ जब गीता का, गुण ज्ञानी फिर कहलाया। सारे गांव को उसने फिर भक्ति क्या है बतलाया। जिधर भी देखो रविदास की जय जयकार सुनाई दी। हर एक गांव के वासी ने प्रभु भक्ति दिखाई दी। जन जन की फिर सेवा कर भेद सारा ही मिटा दिया। हर एक गांव वासी को प्रेम भावना सिखा दिया, प्रेम भावना सिखा दिया। राघव ने बेटे से अपनी बहुत सी आशा बांधी थी, बेटा संत बनेगा मेरा बात जरा ना जानी थी। सोचा बेटा होगा बड़ा फिर हमारा दुख बांटेगा, पता नहीं था लाल हमारा ज्ञान का सागर बांटेगा। चिंतित थे ये सोच सोच के रविदास के बारे में, रहने लगा संतों के संग वो भक्ति के उजियारे में, भक्ति के उजियारे में। देखा जब राघव ने बेटा हाथों से है निकल रहा, जीवन का सुख छोड़ के संतों के संग भटक रहा। चिंतित थे ये सोच के राघव रविदास के बारे में, खोए हुए थे रविदास जी भक्ति के उजियारे में। शादी के लिए बात चलाई रविदास जब बड़ा हुआ, 13 वर्ष की उम्र में भक्त रविदास का विवाह हुआ, रविदास का विवाह हुआ। पिता
पिता ने देखा रविदास पे जब गृहस्थी का ना असर पड़ा एक छोटी सी दुकान खोल दी जब घर का ना खर्च चला भक्ति को ना छोड़ सका पिता ने लाखों जतन किए रविदास को अलग किया रिश्ते नाते खत्म किए एक छोटी सी झोंपड़ी में मियां बीवी रहने लगे प्रभु भजन मिलके वो दोनों हर पल हर क्षण करने लगे हर पल हर क्षण करने लगे सब कुछ छोड़ा रविदास ने पर भक्ति ना छोड़ सका हार गया राघव पिता भक्ति जब ना तोड़ सका हर पल भक्ति में रमा रहा भक्ति उसकी निराली थी मन में अमूल्य ज्ञान भरा था जेब भले ही काली थी कुछ ही दिनों में रविदास का गांव गांव में नाम हुआ सारी दुनिया पूजे उसको सबके लिए अवतार हुआ सबके लिए अवतार हुआ मोह माया की दुनिया में संत का मन नहीं लगता था ज्ञान का सागर फैलाता था ऐसा एक वक्ता था बैठ दुकान में रविदास जी प्रभु के ही गुण गाते थे आते जाते लोगों को बस ये बात सुनाते थे उसका नाम ही सबसे बड़ा है उससे ऊंचा कोई नहीं उसके बिना कुछ भी हो जाए ऐसी कोई अनहोनी नहीं ऐसी कोई अनहोनी नहीं जब भक्ति से हटने लगा रविदास का मन भक्तो चिंतित था ये सोच के वो बोला भगवन दर्शन दो एक रात फिर रविदास को प्रभु की ध्वनि सुनाई दी जैसे कोई मूरत भक्तो भगवन की दिखाई दी बोले प्रभु रविदास तुम तो मेरे प्यारे भक्त हो तेरा हर दुख दूर करूँगा बतला दो जो कष्ट हो बतला दो जो कष्ट हो बोले प्रभु रविदास सुनो मैं जो तुमको धन दूंगा बात ये मेरी मान लो चिंता को मैं हर लूंगा अपने लिए एक काशी में जाके तू मंदिर बनवा भूखे लोग गरीबों के लिए तू अब लंगर लगवा रविदास ने हाथ जोड़ के भगवान जी को प्रणाम किया जैसा भगवान ने बोला था वैसा ही उसने काम किया वैसा ही उसने काम किया प्रभु की कृपा से भक्तो एक सुंदर मंदिर बना जिसका नाम जन जन था में रविदास मंदिर रखा रविदास जी भक्ति का सबको ज्ञान देने लगे देख के उनकी भक्ति को काशी पंडित जलने लगे कह
कहते हैं छोटी जाति के लोग पंडित कैसे हुए, सारे पंडित काशी के रविदास के विरुद्ध हुए, रविदास के विरुद्ध हुए। सबने मिलकर राजा को रवि के विरुद्ध भड़काया, उन पंडितों की बातों में काशी का राजा आया। राजा ने आदेश दिया रविदास को ले आओ, रविदास जी आकर तब बोले राजा बतलाओ, क्यों राजा बुलाया मुझको, क्या मुझसे कोई बात हुई, आपके दर पे आपसे क्यों ऐसे ये मुलाकात हुई, ऐसे ये मुलाकात हुई। बोले राजा बतलाओ क्या तू ही रविदास है, रविदास जी बोले थे हम तो प्रभु के दास हैं। राजा बोले बतलाओ क्या तू जाति का ब्राह्मण है, रविदास जी कहने लगे हम जाति से हरिजन हैं। काशी के सारे पंडित उत्सुकता से देख रहे, तब रविदास को सजा मिले ऐसा थे वो सोच रहे, ऐसा थे वो सोच रहे। रविदास बोले महाराज मुझको इतना बतलाओ, कौन है पंडित कौन है ब्राह्मण किसका मतलब समझाओ। राजा बोले सुन रविदास उसको पंडित कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, ब्राह्मण कुल में रहते हैं। सुन के ये रविदास जी बोले राजा क्षमा करो, ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसको गीता ज्ञान हो, जिसको गीता ज्ञान हो। ब्राह्मण घर में जन्म लिया ना ब्राह्मण का कर्म किया, उसको पंडित क्या कहिए जिसने धर्म ही बदल लिया। जिसको गीता ज्ञान हो उसको ज्ञानी कहते हैं, जिसको कोई ज्ञान ना हो उसे अज्ञानी कहते हैं। पंडित के जो कर्म करे पंडित उसको कहते हैं, पंडित तो एक ज्ञान है ज्ञानी पंडित कहते हैं, ज्ञानी पंडित कहते हैं। सुनकर सोच में पड़ गए वाणी गुरु रविदास की, किस्मत आज तो चमक गई राजा के दरबार की। राजा ने क्षमा मांगी फिर उनका सम्मान किया, दोनों हाथ जोड़ के फिर राजा ने प्रणाम किया। अपने पास आसन पे फिर रविदास को बैठाया, देख के पंडितों की सूरत को रविदास फिर मुस्काया, रविदास फिर मुस्काया।
रविदास बोले पूज्य पंडितों मेरी बात सुनो, प्रभु भक्त तो भक्त है उसकी कोई न जात सुनो। जब प्रभु की ही जाति नहीं भक्त की क्या जाति है बता, जिसको ये सब ज्ञान है वो ब्राह्मण है ज्ञानी बड़ा। तुम जो सच्चे पंडित हो तो इसका तुम प्रमाण दो, क्या तुम में भी शक्ति है, शक्ति का प्रसार करो, शक्ति का प्रसार करो। रविदास की सुन के बाद सबने गुरु आराधना की, आओ भगवन लाज बचाओ सबने ही ये प्रार्थना की। साधु जनों ने भक्ति में पूरा जोर लगाया था, सुनकर उन सब की वाणी भगवन वहां न आया था। काफी समय था गुजर गया, चारों पहर थे बीत गए, साधु जनों ने मुंह लटकाया पूरी तरह से हार गए, पूरी तरह से हार गए। काशी नरेश ने विनती की, अब रविदास जी आप चलो, अपनी भक्ति शक्ति का कोई चमत्कार करो। राजा के कहने पर उसने भक्ति पद गाना गाया, सच्चे दिल से प्रार्थना कर भगवन को बुलाया। भगवन ने दर्शन दिए सबको तब दरबार में, सच्ची भक्ति क्या होती है दिखा दिया रविदास ने, दिखा दिया रविदास ने। महाराजा फिर गिर गया चरणों में रविदास के, जयकारे फिर करने लगे लोग सभी दरबार के। देख नजारा पंडित ये शर्म से पानी पानी हुए, बोले राजा आप ही सच्चे संत ज्ञानी हुए। देखा था ये अजब नजारा काशी के सब लोगों ने, घर घर में फिर चर्चा हो गई, जय जयकार की लोगों ने, जय जयकार की लोगों ने। एक बार एक सेठ वहां सत्संग था सुनने आया, सत्संग का जब भोग पड़ा सबको ही प्रसाद मिला। जिसमें से प्रसाद मिला वो बर्तन था मिट्टी का, देख के मिट्टी का बर्तन सेठ का मन नफरत से भरा। लेकर भोग सेठ ने धरती पर था पटक दिया, उस अज्ञानी ने भक्तों पाप बड़ा ही घोर किया, पाप बड़ा ही घोर किया। उसके दूजे दिन भक्तों सेठ को होने कोड़ लगा, देख के अपनी हालत को मन ही मन वो रोने लगा। याद किया जब उसने तो क्या उसने था पाप किया,
कौन सी गलती का उसको सोच रहा था श्राप मिला। याद किया तो ध्यान आया उसने बहुत बुरा काम किया। भगवान के प्रसाद का उसने क्यों ऐसा अपमान किया, क्यों ऐसा अपमान किया। दोनों हाथ को जोड़ के बोला भगवान क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई मुझ पापी पर दया करो। रविदास ने सेठ को लाकर फिर प्रसाद दिया, खाते ही वो प्रसाद को कोढ़ उसका दूर हुआ। चरणों में वो गिर गया संत गुरु रविदास के, देख के भगवान की लीला। भक्त सभी हैरान थे, भक्त सभी हैरान थे। चूर हुआ अभिमान फिर मन से घमंड भी दूर हुआ। जिसने सेठ की बात सुनी उसको ही आश्चर्य हुआ। सेठ वहीं पर रहने लगा दीन दुखी की सेवा की। पता चला फिर जिस जिस को उसने संत की भक्ति की। संतों के प्रसाद में भगवान की थी भक्ति मिली। जहाँ जहाँ भी बात चली वहाँ वहाँ ही चर्चा चली, वहाँ वहाँ ही चर्चा चली। गुरु रविदास की वाणी में अंदर भरी मिठास थी। दूर दूर तक बात चली संत गुरु रविदास की। कीर्ति उनकी फैल गई देश के कोने कोने में। वक्त कोई ना खास लगा चर्चा घर घर होने में। कई लोगों ने संत को गुरु अपना धारण किया। गुरु के चरणों में आके तरह तरह का ज्ञान लिया, तरह तरह का ज्ञान लिया। एक बार एक पंडित भी रविदास के पास आया। रविदास ने पंडित को प्रेम पूर्वक बैठाया। प्रेम से संतों ने पूछा कैसे बंधु आना हुआ। पंडित बोला आज मेरा गंगा जी को जाना हुआ। रविदास जी बोले फिर मेरा भी एक काम करो, मेरे नाम का दान ले लो। गंगा को प्रणाम करो, गंगा को प्रणाम करो। पर इस बात का ध्यान रहे दान ये माँ को तब देना। प्रकट हो के जब माता जी चरणों में तुम रख देना। जैसी आपकी इच्छा है पंडित बोल के चल दिया। मन में पंडित हंसने लगा संत ने क्या कह दिया। सोचता पंडित चला गया रविदास की बात को, क्या माता ये मांग के लेगी रविदास के दान को, रविदास के दान को।
गंगा तट पर ले पहुंचा पंडित अपने आप को, हाथ जोड़ के खड़ा रहा रविदास के दान को। मन में एक ही बात थी, क्या माता बाहर आएगी, रविदास का भेजा दान प्रकट हो कर पाएगी। मन मंदिर में पंडित जी ने गंगा माँ का ध्यान धरा, आँख मूंद के दाएं हाथ में गंगा जी का नीर भरा, गंगा जी का नीर भरा। कभी अचानक गंगा में हलचल सी होने लगी, पंडित देख के चौंक पड़ा गंगा दर्शन देने लगी। हाथ जोड़ के पंडित ने माता को प्रणाम किया, चरणों में फिर माता के रविदास का दान दिया। पंडित बोला माता जी मेरा बेड़ा पार हुआ, आपके दर्शन पाके माँ मेरा भी उद्धार हुआ, मेरा भी उद्धार हुआ। माता जी ने पंडित को कहा कि मेरी बात सुनो, मेरी तरफ से कंगन ये रविदास को जाकर दो। पंडित कंगन को लेकर गंगा तट से चला गया, हीरे जड़ा कंगन को देख पंडित का मन बदल गया। पंडित सोचे रविदास ने कंगन का क्या करना है, शोभा बढ़ेगी ले जाऊंगा राजा के दरबार में, राजा के दरबार में। मन में लड्डू फूट रहे थे, राजा का ही ध्यान था, सपना देख रहा था वो राजा से सम्मान का। पहुंचा जब दरबार में राजा को प्रणाम किया, बोला गंगा मैया ने आपके नाम का दान दिया, सबके मन को मोह लिया, चमक थी ऐसी कंगन में। राजा देख कंगन को भूल गया मन ही मन में, भूल गया मन ही मन में। राजा ने फिर पंडित को खुश होकर सम्मान दिया, पंडित की तारीफ हुई अच्छा तूने काम किया। राजा ने वो कंगन ले पट रानी को भेंट किया, रानी खुशी से उछल पड़ी पर झट से एक खेद किया। बोली रानी राजा को दूसरा कंगन ला कर दो, अब शुकुन है राजा जी एक अगर ही कंगन हो, एक अगर ही कंगन हो। रानी की भारी जिद ने राजा को बेबस किया, मरता क्या ना करता राजा पंडित को आदेश दिया। जाओ कहीं से पंडित तुम दूसरा कंगन ला कर दो, वरना उसको सेनापति कारावास में बंद करो। पंडित
सजा के डर के मारे कंगन लेने चला गया। सोचा मेरी करनी का मुझको सिलाई मिल गया, मुझको सिलाई मिल गया। पंडित पहुंचा कुटिया में संत गुरु रविदास की, समझ गए रविदास जी मन में जो भी बात थी। बोला मुझको क्षमा करो संत गुरु रविदास जी, खता है मैंने एक करी भगवन आपके साथ जी। सुन के उसकी बात को कहने लगे रविदास जी, जो कुछ भी तुमने किया सब है मुझको ज्ञात जी, सब है मुझको ज्ञात जी। लज्जित होकर पंडित ने अपनी गलती मानी, जो भी उसके साथ हुआ सारी वो बात बता दी। रविदास ने पंडित को वैसा एक कंगन दिया जैसा कंगन माता ने पंडित को था भेंट किया। पंडित ने फिर हाथ जोड़ के रविदास को नमन किया, देख के भक्ति रविदास की पंडित ने गुणगान किया, पंडित ने गुणगान किया। श्री रविदास ने जन जन को भक्ति क्या है बतलाया, सच्ची भक्ति क्या होती सबको ये समझाया। सारी दुनिया में भक्तों ज्ञान का सागर फैलाया, पंडित किसको कहते हैं जन जन को समझाया। कई बार भक्ति की भक्तों रविदास ने दीक्षा दी, ज्ञान का सागर बांट कर हर प्राणी को शिक्षा दी, हर प्राणी को शिक्षा दी। भगवान की भक्ति के लिए घर से नाता तोड़ दिया, संतों के संग चल पड़ा मोह माया को छोड़ दिया। दीन दुखी की सेवा कर भेद सारा ही मिटा दिया, सच्ची भक्ति क्या होती सब दुनिया को बता दिया। दिए 130 बरस फिर इस तन को ही छोड़ दिया, रविदास ने भक्ति से इस धरती को जोड़ दिया, इस धरती को जोड़ दिया। सारी दुनिया कहती है हरी नाम वो रमा गए, अपने तन को त्याग के भवसागर में समा गए। चतुर्दश वैसाख मास को छोड़ गए रविदास जी, गए हमेशा के लिए श्री हरि के पास ही। तुम प्रवीण हो संत शिरोमणि महिमा परम पार है, जिसने उनका नाम लिया उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। आओ भक्तो तुम्हें सुनाओ कथा मैं चारों धाम की, ज्ञान और गुण के सागर है
संत गुरु रविदास जी, संत गुरु रविदास जी। आओ भक्तों तुम्हें सुनाऊं कथा में चारों धाम की, ज्ञान और गुण के सागर हैं संत गुरु रविदास जी, संत गुरु रविदास जी।